नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज चैनल की टीम आज पहुंची है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, जो कि पीपली बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक है। और आज यहां पर कबीर साहिब प्रकट दिवस का दूसरा दिन है, तो आज हम यहां पर आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि आज सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर कबीर साहिब प्रकट दिवस, जो कि संत रामपाल जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है, किस तरीके से चल रहा है। और हम संत रामपाल जी के शिष्यों से जानेंगे कि कहाँ कहाँ से लोग इस समागम के अंदर आ रहे हैं और किन किन लोगों को इस समागम के लिए आमंत्रित किया गया है। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। नमस्कार दर्शकों, हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के मेन गेट पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि आश्रम का गेट और कितने अच्छे से सजाया गया है, जिस पर कितने अच्छे उसके अंदर लिखा है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, और फूलों से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यहाँ पर सजावट की गई है। और यहाँ पर संत रामपाल जी के काफ़ी शिष्य खड़े हैं, जो सतसाहिब के झंडे लेकर खड़े हैं, जो कि सतसाहिब के जयकारे और संत रामपाल जी के जयकारे के साथ सभी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये लगातार यहाँ पर चल रहा है। तो साथियों, मेन गेट के अंदर आते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भंडारा पैक किया हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कि ये भंडारा किस लिए पैक किया हुआ है। सर नमस्कार। सतसाहिब जी। सर क्या नाम है आपका? शशिदास। सर यहाँ पर आप भंडारा पैक कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? ये दूर वाली संगत के लिए भंडारा पैक किया जा रहा है परमात्मा की दया से। अच्छा, तो क्या ये भी भंडारे की तरह निशुल्क है? निशुल्क है जी, बिल्कुल। और ये भी ठीक उसी तरह जिस तरह भंडारा लोगों को साथ में पैक करके दिया जा रहा है, उसी तरह हर एक व्यक्ति को यहाँ पर लड्डू भी पैक करके दिए जा रहे हैं। इसको हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर भंडारा चल रहा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य आए हुए लोगों को यहाँ पर वो बर्तन दे रहे हैं, जिनके अंदर भोजन करवाया जा रहा है। और आपको आगे लेकर चलेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर लोग भंडारा कर रहे हैं, और साथ में संत रामपाल जी के महाराज जी के शिष्य जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ भंडार गृह के अंदर कुछ संत रामपाल जी के सेवादार हैं, जो यहाँ पर भंडारे की सेवा संभाल रहे हैं, भंडारे की सेवा में सहयोग कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है। सर नमस्कार। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है जी। सर यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था किस तरीके से चल रही है? यहाँ भंडारे की व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, जैसे ही माताओं के लिए अलग भंडार है और भक्तों के लिए अलग है, सभी के लिए अच्छा है। शुद्ध देशी घी का भंडारा ओनली यहाँ पे बनता है, बाकी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़ी व्यवस्था है, पंखों का इंतजाम है, सभी गर्मी से गर्मी में कोई भी दिक्कत नहीं है जी। नमस्कार दर्शकों, हम अभी आ चुके हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के प्रणाम स्थल पर, जहां पर आप देख सकते हैं आज यहां पर दहेज मुक्त विवाह है, और वह दहेज मुक्त विवाह शुरू हो चुका है। आप इधर देखेंगे तो यहां पर दो जोड़े बैठे हैं जिनका दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, आप देख सकते हैं। जो संत रामपाल जी के शिष्य जो दहेज मुक्त विवाह करते हैं, वो इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस है, इसीलिए सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि ये दहेज मुक्त विवाह करते हैं। और साथ में बताया जाता है कि ये अपने विवाह के अंदर किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं करते और सादगी से जो है अपना दहेज मुक्त विवाह करते हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं का श्रद्धा भाव कितने अच्छे से यह है, जो प्रणाम स्थल सजाया गया है, इसे दरबार साहिब भी कहा जाता है, और ऊपर पूर्ण ब्रह्म लिखा है। और आप देखेंगे
कि यहाँ पर संत रामपाल जी का स्वरूप लगा है, जिसको देखने से ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर स्वयं विराजमान हैं और यहाँ पर अपने श्रद्धालुओं को सत्संग सुना रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको एक तरफ दिखाएं जहाँ पर पुरुषों के लिए जो है पाठ की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर पुरुष पाठ कर रहे हैं और साथ में छोटे से लेकर बड़े तक बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और चवर सेवा जो यहाँ पर कर रहे हैं आप देख सकते हैं। काफ़ी लंबी लाइनें यहाँ पर चवर सेवा के लिए लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं का श्रद्धा भाव इसके अंदर। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ जो है महिलाओं के लिए पाठ की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर भी संत रामपाल जी की महिला श्रद्धालुओं का श्रद्धा भाव चवर सेवा के अंदर आप देख सकते हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो संत रामपाल जी के यहाँ पर चवर करने के लिए आए हुए हैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक संत रामपाल जी के श्रद्धालु हैं, सेवादार हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? विजयदास। सर आज यहाँ पर कबीर साहब प्रकट दिवस का दूसरा दिन है, तो किस तरीके से आज यहाँ पर भंडारा चल रहा है, क्या क्या व्यवस्थाएँ जो है यहाँ पर कर रखी हैं? आज जैसे कि आप देख रहे हैं जी, भंडारे का दूसरा दिन है। यहाँ की व्यवस्थाएँ, भंडारे की व्यवस्था, पंडाल की, सभी का बहुत अच्छा सहयोग है जी। बहुत अच्छे तरीके से भंडारा चल रहा है जी, और बाहर से भी जितने भी लोग आ रहे हैं काफ़ी खुश हैं भंडारे की। जितने भी व्यवस्था की गई है आश्रम की तरफ से, तो भंडारे में भी पंखे कूलर की व्यवस्था है, अच्छा खाने की व्यवस्था है जी। पंडाल के अंदर भी गर्मी के दिनों में यहाँ भी अब कूलर पंखे की अच्छी व्यवस्था है जी। बैठने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है जी। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अपना इसके अंदर पूरा सहयोग दे रहे हैं, सेवा एज अ सेवादार पूरा सहयोग दे रहे हैं इस प्रकट दिवस को मनाने के। हाँ जी, जो जितने भी सेवादार हैं सबको अलग अलग अपनी सेवाएं बांट दी गई हैं, पूरा सहयोग है उनका। गेट से लेके यहाँ अंदर तक आप देखोगे गेट सेवादार है, पुस्तकालय सेवादार है, पंडाल सेवादार है, सभी पूरे जोर से अपना पूरी सेवा में लग रहे हैं जी। काफ़ी खुश हैं संगत के, पब्लिक के आने से, और पूरा सहयोग कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सत साहिब।